बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी का लेसन नंबर 4, हॉकी का जादूगर। इसके प्रश्न उत्तर बच गए थे, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हॉकी का जादूगर, आपकी बात। जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। आप किसी भी पक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर क्या करते हैं? तो हम इसमें कह सकते हैं कि हम किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर खेल भावना का परिचय देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। हम उनसे खिंचते नहीं, ठीक है, और ना ही उनसे किसी प्रकार की जलन हमें होती है। क्या आप भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये आप अपने मन के विचार लिख सकते हैं, जैसे कि मैं भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, परंतु यह कार्य डॉक्टर बनकर करना चाहता हूं। तीसरा प्रश्न है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप यहाँ पर जो भी खेल खेलते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, गिल्ली डंडा, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज इत्यादि। जो भी आप खेल खेलते हैं वहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खिलाड़ी का नाम बताएं। जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनको भारत भारत का जो यह सर्वोच्च सम्मान है वो उनको दिया गया है, ठीक है। भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? यदि गोल न होने का राज नहीं खुलता तो ध्यानचंद के मन में अपनी प्रतिभा और योग्यता को लेकर संशय उत्पन्न होता। इससे उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, यानी कि उसको अपनी काबिलियत पर शक होता, ठीक है। तो ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। साइना नेहवाल, सुशील कुमार कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आपको बताना है कि जिस प्रकार हमारा जो हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल है, उसके बेहतर प्रदर्शन के कारण ही ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना गया। तो साइना नेहवाल और सुशील कुमार कौन से खेल में प्रदर्शन कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, साइना नेहवाल बैडमिंटन में और सुशील कुमार कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे दुर्व्यवहार करे, यानी कि बुरा व्यवहार करे, तो अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अब खिलाड़ी कोई दूसरा कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छा खिलाड़ी होने के नाते हम उसके साथ सद्व्यवहार ही करेंगे, यानी कि अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे है भाषा की बात। गोल ना होने का राज खुल गया, अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर कई वर्ष राज किया। अब यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में राज और रास शब्द दिए गए हैं, जिनमें से राज का अर्थ है रहस्य और दूसरे राज का अर्थ है शासन। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इनके अलग अलग अर्थ बनाकर वाक्य बनाए। अब देखो, जरा और जरा दो शब्द हैं। एक जरा का अर्थ होता है थोड़ा और एक जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो आप अलग अलग अपनी तरफ से इनको वाक्य बनाएं। वर्ड मीनिंग हमने बता दिए इनके, जरा का अर्थ होता है थोड़ा और दूसरा जरा का अर्थ है बुढ़ापा। ऐसे ही नाज और दूसरा भी नाज, एक नाज का अर्थ होता है अनाज और एक नाज का अर्थ होता है नखरा। गज और गज दो वर्ड दिए गए हैं, एक गज का मतलब है हाथी और एक होता है एक माप जो 1 मीटर से थोड़ा कम होता है। सजा और सजा दो शब्द हैं, एक सजा का अर्थ होता है सजाना और दूसरा जो सजा उसका होता है दंड। राज खुल जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुलना। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। जैसे मछली की तरह फिसलना, अर्थात तीव्रता से आगे बढ़ना। ध्यानचंद अपनी गेंद को स्टिक से लगाकर मछली की तरह आगे फिसल जाते थे। धूल चटाना, बुरी तरह हराना। भारतीय टीम ने विपक्षी टीम की धूल चटा दी। इस प्रकार हम इनको वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे। अग्रिम पंक्ति में गिना जाना, यानी कि महत्वपूर्ण होना, किसी व्यक्ति का इम्पोर्टेंट होना। विराट को आज टीम में अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है। तो ये जो हमारा
लेसन है यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम सारे कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट में कक्षा 5 हॉकी का जादूगर निकाल सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी पार्ट इसके मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन